नमस्कार, मेरा नाम रिक हॉल है और मेरी नॉटिंगम इंग्लैंड में एक कंपनी है जिसका नाम है इग्नाइट। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे स्कूलों में जो विज्ञान पढ़ते हैं वो उनके लिए रोचक बने, सृजनशील बने और बच्चे अपने हाथों से प्रयोग करें। मैं कुछ दिनों से अयुका के बच्चों के साइंस सेंटर में हूँ। आज मैं आपको एक प्रयोग दिखाऊंगा विद्युत का, जिसमें हम एक एनर्जी स्टिक की सहायता से कंडक्शन को देखेंगे। अब ये जो एनर्जी स्टिक मेरे पास है, ये स्टीव स्प्लैंगलर नाम के एक विज्ञान प्रसारक हैं, उनके स्टोर से मैंने खरीदी है। पर इंटरनेट पे कई साइट्स इस एनर्जी स्टिक को बेचती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी डिवाइस है। इसमें एक तरफ एक बैटरी है और दूसरी तरफ एक छोटी सी घंटी, बजर और कुछ LED लगे हुए हैं। पर इसको चलाने के लिए सबसे पहले मुझे सर्किट पूरा करना पड़ेगा। तो अपने हाथ के पंजे से मैं इसके दोनों तरफ जो धातु के सिरे हैं उनको छूता हूं, तो देखिए सर्किट पूरा हो जाता है और इसमें से आवाज आने लगती है। इस सर्किट को पूरा करने का एक और तरीका है, मैं ये स्टिक के जो दोनों धातु के सिरे हैं उनको अपने दोनों हाथों से पकड़ सकता हूं और मेरे शरीर में से बिजली गुजरेगी, कंडक्ट होगी और फिर इसका बजर बजने लगेगा। ये देखिए आवाज आ रही है ना आपको। इसका एक और तरीका है, मैं प्रज्ञा को इसके लिए बुलाऊंगा कि वो आए, क्योंकि ये एक कोऑपरेशन का भी एक्सपेरिमेंट है, दो लोग मिलकर के भी एक एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। सबसे पहले प्रज्ञा भी इस एनर्जी स्टिक के दोनों सिरों को छुएंगी और देखिए फिर दोबारा आवाज पैदा हो रही है। ये नहीं कि मेरे से ही एनर्जी स्टिक चलती है, प्रज्ञा भी इसको चला सकती हैं। उसके बाद में उसका एक सिरा वो पकड़ेंगे और एक सिरा मैं पकड़ूंगा। अभी कुछ भी नहीं हुआ, पर जब मैं प्रज्ञा से हाथ मिलाता हूं तो देखिए हम दोनों के शरीर से गोल गोल करके बिजली गुजरती है और सर्किट पूरा हो जाता है और एनर्जी स्टिक में से का बजर चालू हो जाता है। ये देखिए, अब मैं अगर अपनी उंगली से प्रज्ञा की नाक को छूंगा तो उससे भी सर्किट पूरा हो जाएगा और फिर ये बजर की घंटी बजने लगेगी। अगर प्रज्ञा अपनी उंगली से मेरी नाक छुएंगी दोबारा आपको वो आवाज सुनाई देगी। क्यों, है ना मजेदार। अभी देखिए, अब जब मैं दोनों सिरों को छूता हूं तो आवाज भी आती है और LED भी जलती है इस एनर्जी स्टिक की। अभी देखिए, ये एक बहुत ही मजेदार प्रयोग है। सब बच्चे मिलकर के एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और एक गोला बनाते हैं। सब बच्चे गोले में आ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और ये देखिए 7-8 लोग हैं और जब सबके हाथ पकड़े होते हैं तभी विद्युत का प्रसारण होता है, बिजली कंडक्ट होती है और इस एनर्जी स्टिक में से आवाज आती है। कहीं कोई भी अगर हाथ छोड़ दे तो बजर बंद हो जाता है।